أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज हमने जस्ट स्कूल नंबर 1 का इफ्तिताह किया है। ये डिस्ट्रिक्ट कुरंगी है कराची का और स्लम का एरिया है जहाँ पे तकरीबन ये 30-35 बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल थे उनकी तालीम के लिए एक नॉन फॉर्मल सिस्टम का ये आगाज़ है और आज इसका ये पहला सेंटर है जिसका इफ्तिताह किया गया। और दी एन जी ओ वर्ल्ड इस तरह के 100 सेंटर इस इलाके में मज़ीद इस्टेब्लिश करेगी जहाँ पर इन बच्चों को 3 साल में प्राइमरी एजुकेशन दिलवाएँगे और उसमें हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो सिलेबस है स्पेशली नॉन फार्मर स्कूल्स के लिए बनाया गया है वो अडॉप्ट करेंगे। 3 साल में ये बच्चे इंशाल्लाह प्राइमरी पास कर जाएंगे और उसके बाद इनको मेन स्ट्रीम किया जाएगा। इस दौरान हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर और सुपरवाइज़र यहाँ पे काम कर रहे होंगे, टीचर्स ट्रेनिंग भी कर रहे होंगे ताकि यहाँ के लोकल टीचर्स को ट्रेन किया जाए और वो इन बच्चों को बेहतर तालीम दे सकें। इन बच्चों की ग्रूमिंग की जाएगी इंशाल्लाह, इनको किताबें फ्री मिलेंगी, इनको बाकी सारे जो एक्सेसरीज़ हैं तालीम हासिल करने के लिए वो यहाँ पे सहूलियात मुयसर होंगी और ये बच्चे इंशाल्लाह बाकी बच्चों की तरह ये भी तालीम हासिल करेंगे। वजह ये है यहाँ के पे गवर्नमेंट के स्कूल बहुत कम हैं या दूर हैं जिसकी वजह से बेशुमार बच्चे यहाँ पे स्कूलों में नहीं जा सकते और सारा दिन गलियों में यहाँ घूमते थे। तो इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए एन जी ओ वाल ने ये आज पहले सेंटर का इफ्तिताह किया है और 100 सेंटर खोलेंगे। इससे पहले भी एक फेज़ हम मुकम्मल कर चुके हैं जिसमें तकरीबन 2500 बच्चे प्राइमरी पास करके आगे मेन स्ट्रीम हो चुके हैं, मिडिल और हाई स्कूलों में जा चुके हैं और एक हाई स्कूल भी हमने इसके साथ साथ इस्टेब्लिश किया है ताकि हम इनको सिलेक्टिव बच्चों को 6ठी से 10वीं तक तालीम दे सकें। तो ये एक SDG 4 के लिए एक कामयाब मॉडल है जिसमें कम अरसे में वो बच्चे जो किसी वजह से स्कूल नहीं जा सकते या स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनको दोबारा मेन स्ट्रीम किया जाता है, उनको तालीम के सफ़र पर चलाया जाता है। तो ये जस्ट मॉडल स्कूल कराची में एक बहुत कामयाब मॉडल है। इसमें हमें कोऑपरेशन है यहाँ की जो मैनेजमेंट है ख़ासतौर पर प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है नॉन फार्मल एजुकेशन और लिटरेसी का, उनकी बहुत सपोर्ट हासिल है। इसके लिए जायका की टेक्निकल सपोर्ट है और ख़ासतौर पर हमारे डोनर जो है दयानत वक्फ उसके कोऑपरेशन हमारे साथ है जिसकी वजह से हम इस काबिल हुए हैं कि ये प्रोजेक्ट हम कामयाबी से चला सकें। थैंक यू वेरी मच।